ਬਈ ਲੈਗਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਲੈਗ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਗ ਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗਸ ਦੀ ਖਾਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੋ कि ये केड़ी मशीन है केड़ी आज आपां लेग्स दी एक्सरसाइज़ करनी है। मैम ये मशीन का नाम लेग कर्ल है, ये लेग कर्ल है, ये हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए होती है। जैसे हमने पहले करा था उसमें हमने क्वाड्रिसेप्स करा था, ठीक है मैम। अब हम कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग, जो आपके लेग्स के पीछे वाले मसल्स होते हैं, ठीक है मैम। इसमें भी हमारी एडजस्टमेंट रहती है, सीट की एडजस्टमेंट रहती है, आपने यहाँ से अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना है। हम और इसमें पीछे ना नंबर लिखे होते हैं सीट पर कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना हाइट का नंबर चेक कर लेना है कि आपने कितना रखना होता है, तो आप हमेशा उसको उतना रख सकते हो। मैम फिर सेकंड इसमें सेटिंग आ जाती है मैम यहाँ से, मैम यहाँ से जैसे आपकी हाइट के हिसाब से यहाँ पे भी आपके पैरों की यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है, आगे को या पीछे को। मैम ये भी आपके हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट होती है, ठीक है मैम। फिर आपने क्या करना है मैम, इसके आप अंदर आए, ठीक है मैम। आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके यहाँ पे देखो निशान डला हुआ है, आपकी जो नी है इसके पैरेलल रहने चाहिए, ठीक है मैम। आपने वेट एडजस्ट करना है, आपने मैम लेग्स अंदर करनी है, ठीक है मैम। मैम यहाँ से पिन को लॉक कर देना है आपने, और मैम आपने लॉक करते तो ये ध्यान रखना है कि जो ये पैड है आपके नी के ऊपर नहीं आना चाहिए, आपके नी से थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए। मे बी आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर कि यहाँ पे मेरे नी पे है कि नी से नहीं है, बट ये नी से थोड़ा सा पीछे है। जिस टाइम पर आप इसको लॉक करोगे आपको अपने आप फील हो जाएगा। और आपने दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखना है, ग्रिप आपने यहाँ से पकड़ के रखनी है, ठीक है, और बैक को पीछे प्रॉपर पुश करके रखना है, एंड हिप को भी, एंड डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। इसमें मैक्सिमम हम क्या गलती कर देते हैं, जिस टाइप हम इसको लगाते हैं हम आगे हो जाते हैं और इस ढंग से लगाते हैं, ये एक गलत तरीका है, हमने ऐसे नहीं लगाना। हमने इस पर फोकस ये रखना आपकी, अपनी बैक को आप पीछे टच रखो एंड बैक स्ट्रेट रखो। और दूसरा एक और चीज़ गलती हो जाती है इसमें, लोग ऐसे स्क्विट करके आगे आ जाते हैं, हमने ये नहीं करना। हमने प्रॉपर अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, आपका जो हिप है आपका पेल्विक बोन है वो प्रॉपर पीछे टच रहनी चाहिए, एंड आर्म से आपने अपने मैक्सिमम बॉडी को पीछे को पुश करके रखना है और हिप को एक जगह स्टेबल रखना है, एंड देन स्टार्ट करनी है, ठीक है मैम, क्लियर है। सो भाई हुण मैं भी एक्सरसाइज कर लेनी हां, क्योंकि हिमांशु ने तो सानू दस दिता है कि एक्सरसाइज नू किस तरह करना है, सो हुण मैं ट्राई करदी हां जिहड़ी तुसीं कीती है। मैम सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है मैम। मैम फिर आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, आपके पैर कहाँ तक आने चाहिए, ठीक है मैम। ये आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है मैम। आपने पैर रख दिए, ठीक है मैम, और बैक को पीछे टच रखो अपनी, मैम इसको यहाँ से आपने लॉक कर दिया। मैम आपको कंफर्टेबल है? हाँ जी। मैम नी के ऊपर तो नहीं है ना आपके ये? नहीं। ठीक है मैम, और मैम बैक को पीछे टच रखना है, मैम सच लगाओ। मैम एक और इसमें ये चीज़ देखने को होती है, जिस टाइम आप ब्लैक कलर लगा रहे हो आपने फिसल के आगे नहीं आना। कई बार होता है कि आपकी जिससे पे आप पुश करते हो आपकी बॉडी स्लिप होकर आगे आती है, आपने उस चीज़ का कंट्रोल रखना है कि अपनी बॉडी को पीछे पुश करके रखो, और आप अपने बैक कहीं कैसे करते हैं कि अपनी बैक को आगे लेके आ जाते हैं। मैम आगे आओ, थोड़ा थोड़ा और आगे आओ, ऐसे आगे आगे लगाते हो, मैम लगाओ 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 लगाओ, ऐसे नहीं करना। आपने कोशिश रखो अपना बैक को प्रॉपर पीछे टच रखो, एंड फिर देन करेंगे परफेक्ट। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी ये पिन है आपने इस चीज़ का ये ध्यान रखना है कि एक जगह आपकी प्रॉपर लॉक रहे, यानी कि जिस टाइम पे आप रैप लगाओ ये आपका पैड ऊपर नीचे हिले, हिल तो नहीं रहा मैम अभी? ओके मैम, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पैड हिलना नहीं चाहिए, एक ही जगह प्रॉपर लॉक रहना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग ट्रिक आपके बने होते हैं, निशान बने होते हैं, आप उसमें आप लॉक कर सकते हो पिन को जहाँ पर आपको कंफर्टेबल हो। सो जिस तरह तुम देखा जो लैग कर्ल किए असी, यानी कि वह एक्सरसाइज जी थोड़ी लत्तों मजबूत बनाती है, और यह मशीन यूज़ कर टैक्नीक्स की ने यह हिमांशु ट्रेनर ने सानू दसिया ने, तो उम्मीद करते हैं कि तुम भी नाल अज वर्कआउट किया होएगा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं, जिस तरह हर बार मैं कहनी क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट चक्या हो मैं भी, क्योंकि हौली हौली असी भी एक्सरसाइज शुरू की है, और तुम भी बिगिनर्स हो तो तुम भी ध्यान रखना कि वेट बहुत ज़्यादा पहले दिन ही नहीं चकना। तो अगले एपीसोड लैग्स दी होर कि एक्सरसाइज होंगे ने तो दिखावे, फिलहाल ही मैंने दे इजाजत, सत श्री अकाल।